तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के PYQs। उसमें हम लोग अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के PYQs करते हैं। तो देखो, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ठीक है, उसमें 2022 का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन लुकास टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद द कॉन्क HCl एंड ZnCl2 नोन एज लुकास रिएजेंट। ये वेरी वेरी ट्रू है। बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी, प्राइमरी आपका 30 मिनट्स में दिखाएगा, सेकेंडरी 5 मिनट में दिखाएगा, टर्शरी इमीजिएट 2 to 3 seconds, या तो आप इमीडिएट रिएक्शन भी बोल सकते हो। ओके, ये स्टेटमेंट ट्रू है। प्राइमरी अल्कोहल्स आर द मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर ऑन रिएक्शन विद लुकास टेस्ट। तो हम लोग ने क्योंकि ये डिस्कस कर लिया कि ये 30 मिनट्स में दिखाता है, ये 5, और टर्शरी 2 to 3 मिनट्स में, तो ऑप्शन नंबर टू इज, स्टेटमेंट नंबर टू इज फॉल्स। तो वो स्टेटमेंट वन एंड टू आर इनकरेक्ट, नहीं, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर भैया। ओके, बढ़ते हुए आगे, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ओके, एसीटोन में हम लोग ने RMGX डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ डाइथर, फिर वाटर, फिर प्रोडक्ट बन गया। एसीटोन कैसे दिखता है आप देखो, CH3COOCH3 प्लस ग्रिगनार्ड, देख के कुछ याद आ रहा है आपको, ग्रिगनार्ड और वाटर। देखो, दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर हम लोग फॉर्मल्डिहाइड में ग्रिगनार्ड डालेंगे तो क्या होगा, आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। फिर एल्डिहाइड में ग्रिगनार्ड डालेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन में ग्रिगनार्ड डालेंगे टर्शियरी अल्कोहल। तो ये एक टाइप का कीटोन ही है, इसी पर आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कीटोन में हम लोग ग्रिगनार्ड डालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। तो टर्शियरी अल्कोहल कैसे मिलेगा, सी सी, ये ओ इधर चला जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये वाला ग्रुप C2H5 ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, और ये O के साथ ये H हो गया, टर्शियरी अल्कोहल हो गया। अब इसका IUPAC करते हैं, तो कैसे होगा, यहाँ पे दो कार्बन है ना, एक दो, तो एक दो तीन चार, तो यहाँ ये हो गया आपका स्ट्रेट चेन, तो ये हो गया 1 2 3 4, 2 हाइड्रोक्सी, हाँ ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, तो हाइड्रोक्सी नहीं आएगा, तो 2 मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। Now, when vapors of secondary alcohol is passed over heated copper at 573 degree, the product formed this. देखो क्या बोला है, secondary alcohol को हम लोग ने पास किया copper at 573 Kelvin. इसको 573 को Kelvin को आप ये कर लो 273 से माइनस कर लो। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ आपको जल्दी दिखेगा। तो copper at 300 degree Celsius, कुछ याद आ रहा है क्या, मुझे तो ऐसे ही याद आता है 500, मुझे केल्विन वाला टेम्परेचर समझता नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि बचपन से हमें पढ़ा गया कि डिग्री सेल्सियस बताया जाता है, तो मुझे केल्विन समझ में आता ही नहीं एक्चुअली। तो मैं इसको डिग्री सेल्सियस पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो कॉपर विथ 300 डिग्री सेल्सियस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो हम लोगों ने सेकेंडरी अल्कोहल को जब इसमें से पास किया तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल वुड फॉर्म आपका कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन। प्राइमरी अल्कोहल वुड फॉर्म, देखो क्या बनता है, प्राइमरी वुड फॉर्म एल्डिहाइड, सेकेंडरी वुड फॉर्म कीटोन, टर्शरी आपका ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इट वुड शो एलिमिनेशन। ये आपको याद रखना है, ऐसे कुछ चीज़ें याद रखना है, जैसे कि देखो ये जो बॉक्स बॉक्स में बता रहा हूँ ये चीज़ें याद रखनी है आपको। फिर ये ऊपर भी मैंने बताया कि प्राइमरी किस पर टर्बिडिटी दिखाता है, ये सारे बॉक्स चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, फैक्ट है ये। ओके, तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल पास्ड विद कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस वुड शो वुड फॉर्म द प्रोडक्ट वुड फॉर्म या कीटोन। द कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद NA गिव्स बी with PCl5 and with PCl5 gives C, B and C react together to give diethyl ether, A, B, C are in the order. तो पहला A निकालना है, फिर B निकालना है, फिर C. A को हम लोग ने Na के साथ ट्रीट किया तो B मिला हमें, फिर B को PCl5 के साथ रिएक्ट किया तो हमें मिला C. ओके, तो B and C both react, B और C दोनों react करके आपस में क्या बनाते हैं, diethyl ether. ओके, तो ए बी सी आर इन द ऑर्डर ऑफ, तो देखो देखते हैं, तो अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, C2H5OH, अगर हम लोग ने ये अल्कोहल लिया Na, तो फिर ये आ जाएगा C2B, क्या हो जाएगा आपका C2H5Na हो जाएगा और O रहेगा ही, फिर इधर PCl5 आ जाएगा, तो ये तो आपका चला जाएगा PCl5 का, इधर Cl आ जाएगा, फिर PCl5 का इधर Cl आ जाएगा, तो B क्या हो गया आपका C2H5NaO, और आपका C क्या हो जाएगा C2H5Cl, दोनों रिएक्ट करेंगे तो Na चला जाएगा और Cl चला जाएगा, तो बनेगा आपका डाइथाइल ईथर। और किसी में बन सकता है क्या डाइथाइल ईथर, देखो इन लोग ने
इधर ऑल्टरनेट कर दिया, यहाँ पे पहले सी एल बनेगा क्या? नहीं, एन ए डालेंगे तो फिर पहले एन ए आएगा फिर सी एल, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, और ये दो तो कतई ही रॉन्ग है क्योंकि ये बनेगा ही नहीं, इथेन बनेगा ही नहीं। ओके, विच आर द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल एल्डिहाइड, मतलब आरएक्स। आरएक्स के प्रिपरेशन में हम लोग देखते हैं, देखो अनहाइड्रस अनहाइड्रस जेड एन सी एल टू आपको डालना है, एच सी एल प्लस अनहाइड्रस जेड एन सी एल टू क्या है आपका? लुकास रिएजेंट, ये भी याद रखना चाहिए आपको, इट इज लुकास रिएजेंट। तो सी टू एच फाइव प्लस एच सी एल गिव्स सी सी आपका, ये कौन सा प्राइमरी है? एच सी एल। ओके, तो बन जाएगा आपका क्लोराइड। यहाँ पे डायरेक्ट दिया है, यहाँ पे टर्शरी दिया है, यहाँ पे आपको सेकेंडरी दिया है, तो टर्शरी के साथ जल्दी आ जाना चाहिए शायद, बट इसने जेड एन सी एल टू नहीं मैंशन किया है यहाँ पे। यहाँ पे सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच ओ एच प्लस एच सी एल एंड जेड एन सी एल टू, सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? टू फॉर्म अल्काइल हलाइड्स। ओके, अच्छा इन चारों में से आंसर नहीं है, ये आंसर है, मैं इसमें से टिक करने की सोच रहा था, क्योंकि वन से बन सकता है, फोर से बन सकता है, तो वन और फोर कहाँ दिख रहे हैं आपको? वन और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहे हैं। थर्ड कैसे बनेगा? थर्ड में क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर है, योर सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, तो यहाँ से एस एन वन रिएक्शन होने के चांसेस है। ओके, एस एन वन रिएक्शन होने के चांसेस है यहाँ पे आपके, तो ये पे भी आपका हो जाएगा अल्कोहल, तो वन थ्री फोर से बन जाएगा। मैं इसमें ढूंढ रहा था, मैं वही सोच रहा हूँ कि वन और फोर दोनों ही करेक्ट है, ऐसे कैसे आ सकता है, तो मुझे बाद में दिखा कि ये भी ऑप्शंस दिया है ए बी सी डी। ओके, तो हमेशा याद रखो कि ऑप्शंस केवल ए बी सी डी ही हो सकते हैं, ऐसे वन टू थ्री रोमन वन टू थ्री नहीं, स्मॉल वन टू थ्री नहीं, कुछ भी नहीं, ए बी सी डी ही हो सकते हैं। ओके, द नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस विच गिव पोजिशन पॉजिटिव सॉरी पोजिशन पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ओके, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए आपको क्या याद रखना है? पॉजिटिव आइडोफॉर्म के लिए ये स्ट्रक्चर होना नेसेसरी है, सी एच थ्री सी ओ, ये स्ट्रक्चर होना नेसेसरी है, दिस होल स्ट्रक्चर विद थ्री इंटैक्ट हाइड्रो का थ्री इंटैक्ट हाइड्रोजन। ओके, तो हमें क्या बोला है? सी सिक्स एच ट्वेल्व एच फोर्टीन एंड ओ, इससे कितने ऐसे अल्कोहल बनेंगे जो पॉजिटिव आइसोमेरिक टेस्ट देंगे, पॉजिटिव ये टेस्ट देंगे आपके। अभी इन लोगों ने अल्कोहल की बात की है फॉर पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सी एच थ्री, इधर एक एच डाल दो और इधर एक एच डाल दो, सी एच ओ एच, ऐसा ग्रुप बनना चाहिए। तो ऐसा कितने अल्कोहल्स बनेंगे? तो सिक्स कार्बन के हैं, देखो कितने कार्बन हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, इनमें से अल्कोहल बनाना है। ओके, आपका यहाँ पे अगर ओ एच होगा तो ये दे देगा आपको पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो ये स्ट्रक्चर तो हमें इंटैक्ट रखना है, बाकी इसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? देखो मैंने क्या किया, अभी एक कार्बन इधर से कम कर दिया, एक को इधर लगा दिया, तो ये भी पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। फिर इस ब्रांच को मैं इधर भी लगा सकता हूँ क्या? तो लो मैंने इधर भी लगा दिया इस ब्रांच को, तो ये भी पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। फिर और कुछ कर सकते हैं इसमें चेंजेस? नहीं, ये तीन ही ऐसे चेंज हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर तीन ही हो सकते हैं मेरे हिसाब से। और क्या हो सकता है? अगर हम लोग ने इसको इधर लेके आ गया, अच्छा इसको अगर मैं इधर लेके आ जाऊँ एज अ ब्रांच तो अलग हो जाएगा क्या? यस, वेट, इसको हटा के हमें इधर लेके आना है, तो ये भी आपका पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये और ये आपका ब्यूटाइल का है ना, ये चार कार्बन का ब्यूटाइल है, तो इसमें सेक हो गया, ये हो गया आपका आइसो, सेक हो गया आइसो, हो गया ये टर्ट, ये ब्यूटाइल, ये चार ब्यूटाइल जैसे आपको तीन ब्यूटाइल बनते हैं ना हमारे, सेक टर्ट और आइसो ब्यूटाइल और एन ब्यूटाइल, तो ये एन ब्यूटाइल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तो चार स्ट्रक्चर बन गए, तो ऑप्शन नंबर फोर वुड द करेक्ट आंसर। ये तो आपको इंटैक्ट रखना ही है, ये स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव आइडोफॉर्म बोला है ना, तो ऐसे तो चार स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन प्रोडक्ट सी इज, प्रोडक्ट सी क्या है तो देखते हैं क्या है प्रोडक्ट सी। तो क्या बोला है? सबसे पहले बोला है कि सी एच थ्री बी आर को के सी एन में डालेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा? सी एच थ्री साइनाइड, प्रोडक्ट ए हो गया ये, तो इसको बाजू में लिख दो ए। फिर इसमें हम लोग क्या डालें? एच थ्री ओ, तो क्या आ जाएगा ये? एच थ्री ओ डालने पर कुछ नहीं बोला है, मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बन जाएगा। इसके तीन केसेस बनते हैं ये भी हमें पता है। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है आपका ये, फिर ये अमाइड बन सकता है ऑन डिफरेंट केसेस। ओके, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन, तीन केसेस होते हैं आपके। तो कंप्लीट में आपका एसिड बन जाएगा। फिर इसका अगर रिडक्शन करेंगे, मतलब एल आई ए एल एच फोर प्लस ईथर क्या करता है? रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको अगर रिड्यूस करेंगे तो क्या बनना चाहिए आपको? अल्कोहल, क्योंकि देखो हमें पता है कि ये चेन तो आपको पता ही रहेगा ना, अल्कोहल से बनता है अल्डिहाइड से बनता है एसिड,
क्योंकि LiAlH4 बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो पूरा अल्कोहल तक रिड्यूस कर देगा। तो इसमें दो कार्बन है, CH3 CH2 OH, तो यही बन जाएगा। तो आपको पूछा है सी ना, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? इथाइल अल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, व्हेन ग्लिसरॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस HI इट्स प्रोडक्ट आर। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर पहले पता होना चाहिए। इट इज HI का इधर ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ग्लिसरॉल को। ओके, CH एंड OH। अगर हम लोग ने एक्सेस HI के साथ इसको ट्रीट किया तो क्या होगा इसमें? तो ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है आपको, ये थोड़ा सा अलग भी है। अगर हम लोग ने एक्सेस अगर HI डाला तो क्या होगा? सबके सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप I से रिप्लेस हो जाएंगे क्या? तो CH2 CH CH2 I I I बन जाएगा। अभी ये दोनों तीन बल्की ग्रुप्स आपस में स्टेबल नहीं रहेंगे, तो दो बल्की ग्रुप आपस में जुड़ के निकल जाएंगे, तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 I। ओके, ये हो जाएगा। फिर इन्होंने ने बोला एक्सेस, तो और अपने पास है चाहिए, और कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग? और रिएक्ट कराओ इसको। अगर और रिएक्ट कराओगे इसमें क्या होगा? CH2 और फिर I2 इधर से माइनस हो गया। I2 के बाद वापस HI डाल दो, वापस HI डालोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इधर H चला जाएगा और इधर I, क्योंकि स्टेबल कार्बोकैटायन बीच में ही बनेगा। तो ये होगा CH3 CHI और ये हो जाएगा CH2 I। अगेन ये I2 निकाल दो, CH3 CH CH3 CH2 हो जाएगा, CH3 नहीं, ये चला गया ना, तो इसके इनको बीच में डबल बॉन्ड आएगा। फिर वापस इसमें HI ऐड करो तो क्या हो जाएगा? CH3 CH CH2 सॉरी CH3, क्योंकि H इधर चला जाएगा, क्योंकि स्टेबल कार्बोकैटायन अगेन यहाँ पे बनेगा। तो 2 हाइड्रोप्रोपेन विल बी मोर स्टेबल प्रोडक्ट एक्सेस HI में। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, प्रोडक्ट Z क्या है? चलो देखते हैं। तो प्रोडक्ट Z क्या है? इथेनॉल, पहले तो CCOH PBr3, मतलब PCl3 PBr3 उसके जैसा है। तो क्या OH रिप्लेस हो जाएगा? तो BR आ गया इसमें। ओके ठीक है, तो ये हो गया आपका X। फिर इसमें अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH के इसमें क्या होता है हमें पता है, एलिमिनेशन। तो ये आ गया आपका Y। फिर इसको हम लोग ने H2SO4 एट रूम टेम्परेचर एंड H2O हीट, मतलब ऑक्सीडाइज कर रहे हो गया इसको आप। तो इसमें फर्स्ट स्टेप H2SO4 है, तो H2SO4 ऐड होगा, तो कैसे ऐड होगा आपका? CH3 CH2SO4 HSO4, क्योंकि वो टूटेगा H प्लस और HSO4 माइनस में। ओके, पहले ही ऐसे ही टूटता है, बाद में फिर आपका ये MKR एडिशन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ओके, MKR वैसे ही लेते नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिकली है वैसे। फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या बोला है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करोगे तो CH3 CH2 OH, क्योंकि इधर H आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, CH3 CH2 HSO4 ऐसा है ना, तो इधर OH और H, ये टूट जाएगा, ये H2SO4 वापस चले गया, क्योंकि जो हमने यूज़ किया वो तो अनचेंज होना ही है, और ये बन गया आपका। तो क्या बना आपका? इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं लोग? ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? दिस स्ट्रक्चर ऑन हीटिंग विद पर आयोडिक एसिड, आपको पता है क्या है? HIO4 HIO4 इज पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है आपका? डॉट डॉट जो लिख दिया है, इट इज नथिंग बट ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल। ये ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर विद पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड से क्या बनता है आपको पता है क्या? देखो, पर आयोडिक एसिड इज फॉर हाइड्रोबोरेशन, नॉट हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोक्सीलेशन। हाइड्रोबोरेशन मैंने गलत बोल दिया, इट इज़ फॉर हाइड्रोक्सीलेशन। पर आयोडिक एसिड का काम क्या है? पर आयोडिक एसिड इज यूज फॉर हाइड्रोक्सीलेशन। हाइड्रोक्सीलेशन मतलब ये बॉन्ड तोड़ेगा, दोनों जगह OH OH ऐड कर देगा, OH OH। तो क्या बचा? CH2 OH OH। एक कार्बन पे दो OH स्टेबल है, नहीं, वाटर रिलीज हो जाएगा, तो क्या बचा? CH2। ये वाटर रिलीज हो गया ना, CH2O बचा। CH2O मतलब HCOH, फॉर्मल्डिहाइड। तो ऐसे ये भी हो जाएगा, तो फॉर्मल्डिहाइड वुड बी द आंसर। पर आयोडिक एसिड इज यूज्ड फॉर हाइड्रोक्सीलेशन। हाइड्रोक्सीलेशन का क्या स्टेप है? कार्बन चेन, जितने भी कार्बन चेन रहेंगे, इधर ये बॉन्ड टूटा तो इधर OH, इधर OH ऐड कर दो, ये टूटा OH OH ऐड कर दो, ऐसे करते करते जाओगे। फिर क्योंकि एक कार्बन पर दो OH स्टेबल नहीं है, खाली कोई कोई केस में स्टेबल रहता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टेबल नहीं है, तो वाटर एलिमिनेट कर दो, तो आपको मिल जाएगा HCH2O। और ये स्ट्रक्चर देख के कन्फ्यूज मत हो, ये कुछ भी नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है।
इथिलीन ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट यील्ड्स इथिलीन ऑक्साइड विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट. इथिलीन ऑक्साइड इज नथिंग बट इपॉक्साइड, आपका इपॉक्साइड है वो, CH2O CH2O, इथिलीन ऑक्साइड इसको ही बोलते हैं. रिएक्ट विद ग्रिगनार्ड RMGX, क्या देगा वो? देखो ये भी एक केस है टू गिव प्राइमरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल कैसे मिलता है RMGX में, जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड ऐड करते हैं. ये भी एक केस है, ओके ये भी याद रख लो, ये भी है क्योंकि ये बहुत पुराना टेक्निक है, अभी हम लोग ये नहीं पढ़ाते, थोड़ा आउट ऑफ NCERT इसीलिए, बट इट इज ऑल्सो फॉर प्राइमरी अल्कोहल. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म ए येल्लो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ आयोडीन. अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ आयोडीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन येल्लो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, तो हमें पता है येल्लो प्रेसिपिटेट मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट देना येल्लो प्रेसिपिटेट. तो स्ट्रक्चर बना लो, देखो इसके पास CH3CHOH है तो ये दे देगा, CH3CHOH है ये भी दे देगा, ये देगा क्या, ये दे देगा CH3CHOH. तो ऑप्शन नंबर सी वुड नॉट गिव, क्योंकि हमें पता है आयोडोफॉर्म के लिए क्या नेसेसरी है, या तो ये स्ट्रक्चर अगर एल्डिहाइड कीटोन है तो मतलब इधर कुछ भी आ जाए चलेगा, और या तो ये स्ट्रक्चर अगर वो अल्कोहल है तो इधर कुछ भी आ जाए चलेगा. ओके तो ये दो फॉर्म, ये दो अगर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, सिंपल. एन प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैन बी केमिकली डिस्टिंग्विश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. एन प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट. PCl5, PCl5 में अगर करेंगे तो हमें डिस्टिंग्विश्ड देखने नहीं मिलेगा. हाँ अगर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ओजोनोलिसिस में भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये ऑक्साइड देखा, ये क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है ऑक्सीडाइज होके आपका एल्डिहाइड बनेगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल है ये कीटोन बनाएगा, तो हम उस बेसिस पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर. तो 13th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ऑन रिडक्शन ऑफ एनी एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल इज फॉर्म्ड. कोई भी एल्डिहाइड को रिड्यूस किया तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो फॉर्मल्डिहाइड से बनता है आपका प्राइमरी अल्कोहल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, वेट. कोई भी एल्डिहाइड को रिड्यूस किया तो सेकेंडरी अल्कोहल बनना जरूरी है क्या? नहीं, क्योंकि देखो आपका ये स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स. ओके फिर रिडक्शन रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल विद H2SO4 गिव्स ग्लिसरीन. सुक्रोज ऑन रिएक्शन विद NaCl गिव्स इनवर्ट शुगर. सुक्रोज ऑन रिएक्शन विद NaCl गिव्स इनवर्ट शुगर. सुक्रोज ही तो इनवर्ट शुगर है तो ये तो गलत ही है. अल्कोहलिक आयोडीन गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट आयोडोफॉर्म विद NaOH. देखो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पुराना प्रिमिटिव क्वेश्चन है तो मैं इसको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट ये स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है. ओके प्रोपेन वन ऑल मे बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद प्रोपेन वन ऑल चाहिए हमें. देखो प्रोपेन वन ऑल चाहिए फ्रॉम प्रोपीन. प्रोपीन का स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? ओके ये आ जाएगा. अगर वन ऑल चाहिए मतलब देखो बेसिकली यहाँ पे बनना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, बट एंटी मार्कोनिकॉफ हो रहा है यहाँ पे. तो एंटी मार्कोनिकॉफ कहाँ देखने मिलता है आपको? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में. तो 15th का आपका मोस्ट प्रोबेबल आंसर जाएगा 15th का सी. द रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड मतलब इथिलीन ऑक्साइड या इपॉक्साइड विद RMGX फॉर्म्स द क्या हो जाएगा इसमें? प्राइमरी अल्कोहल बनेगा. तो प्राइमरी अल्कोहल कहाँ देखने मिल रहा है आपको? ये सेकेंडरी है प्राइमरी अल्कोहल. तो प्राइमरी अल्कोहल कौन सा आपको देखने मिला है? अभी फर्स्ट वाला, सॉरी ऑप्शन नंबर सी वाला. ओके कैसे हो जाएगा? CH2 एक जगह आपका ये आके जुड़ेगा, ये जगह ये बॉन्ड इधर से टूट जाएगा, RMGX ऐसे आ जाएगा, ये MGX पार्ट इधर आ जाता है और ये R वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये R वाला पार्ट इधर आ जाएगा, क्योंकि RMGX में R नेगेटिव टूटेगा MGX, क्योंकि मेटल का तो पॉजिटिव ये नेचर है तो ये इसके साथ रहेगा. तो MGX पहले जाके इसको इधर चिपका देगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जाएगा, ऑक्सीजन अपना लोन पर इधर लेके इधर सारे जाएंगे, ये लोग आपस में आ जाएंगे, यार आ जाएगा, फिर यहाँ पे HOH आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया अल्कोहल इस तरीके का. तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर. तो यहाँ तक हम लोग देखते हैं अल्कोहल के क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे आगे.